गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 संस्कृत चैप्टर 1, चैप्टर नेम शुभाषितानी। ठीक है, सो शुभाषितानी के हम डेफिनेशन समझेंगे। शुभाषित जो शब्द है उसमें शु प्लस भाषित, ठीक है, इन दोनों शब्दों के मेल से संपन्न होता, मतलब जो शुभाषित है उसे हम दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं, उन दो शब्दों से मिलकर के हमारा सुभाषित बनता, सु और भाषित। ठीक है, सु मीन्स क्या होता है बच्चों की, सु मीन्स होता है सुंदर, ठीक है, अच्छा हो, गुड हो, मधुर हो, है ना। और भाषित, भाषित मीन्स होता है जो हम बोलते हैं, भाषा हमारी, ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज, जो हमारे वचन है, वाणी है, वही भाषा कहलाती है। मतलब की सु और भाषित, सु मीन्स सुंदर, भाषित मीन्स हमारी भाषा, वाणी, ठीक है, तो सुंदर वाणी, सुंदर वचन या सुंदर बातें, ठीक है, हम इसे ऐसे कह सकते हैं। इस तरह है, सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, सिरोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया। ठीक है, संस्कृत के हमारे काफी सारे ग्रंथ हैं, काफी सारे कथा ग्रंथ है, गद्य ग्रंथ है, पद्य ग्रंथ है, जिनमें स्टोरियां रहती है, ठीक है, जिससे हमें नॉलेज मिलता है। उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इंटरेस्टेड इंपॉर्टेंट विचार परक, ठीक है, जिसे हम सोचने पे हमें उसको अपने लाइफ में से फॉलो कर सके, ऐसे श्लोकों को, ठीक है, इन इन ग्रंथों से लेकर के यहाँ पर दिया गया है। सूक्ति मंजरी होती है ना, उसमें केवल सूक्तियां ही सूक्तियां रहती हैं, और नीति शतकम है, उसमें नीति के 100 श्लोक हैं, मनुस्मृति है, मनु की स्मृति है, शिशुपाल वध है, एक शिशुपाल नामक है, उसके वध की सारी कथा है, पंचतंत्र है, पंचतंत्र की स्टोरी है, ठीक है, तो उनसे ये लिया गया है। फर्स्ट श्लोक है हमारा, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, शुष्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमाशाद्य भवन्त्यपेय। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, जो गुण होता है वो गुण जनों के, ठीक है, मतलब जो उनके अच्छे विचार होते हैं, जो अच्छी भावनाएं होती हैं, वो गुण जनों के बीच में रह करके गुण मानी जाती है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है, यदि उसके पास गुण है तो हम उसे गुणवान कहेंगे। परंतु ते निर्गुणम प्राप्यवन्ति दोषा, और वही निर्गुण, वही जो गुणी व्यक्ति है वो किसी निर्गुण के पास आ जाए, मीन्स किसी दुष्ट के पास आ जाए, किसी दुर्गुण व्यक्ति के पास आ जाए, तो वो जो सारे उसके गुण कहे जाते थे वो अब दोष कहे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसने अब दुर्गुण का साथ कर लिया, इसे उसके जो सारे गुण है वो दोष कहे जाएंगे। सुस्वाद तो या प्रवंति नद्या, ये तो ऐसे ही है जैसे सुस्वाद, मतलब पीने योग मधुर, जो मीठा स्वीट्स जल है, ठीक है, पानी है, प्रवंति नद्या, और नदी का, तो हम नदी का पानी जैसे मीठा होता तो हम उसे पी सकते, परंतु समुद्र मासाद्य भवंत पिया, वैसे वो नदी का जल यदि समुद्र में जाकर के फिर मिल जाए तो फिर हम उसे नहीं पी सकते। ठीक है, इसके बाद है हमारा सेकंड, साहित्य संगीत्य कलाविहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन न पिजीव्यमान, तदभाग धेयम परम पशु नाम। साहित्य से, ठीक है, जो हमारा कल्चर है, लेक्चरर है, संगीत है, जो हमारा म्यूजिक है, कला, जो हमारे आर्ट है, इससे विहीन कोई व्यक्ति साक्षात पशु, ठीक है, वो साक्षात पशु के समान होता है। कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीन, जो बिना पूंछ और सींग का हो, ठीक है। तृणम न खादन न पिजीवमाना, ऐसा जीव तिनके घास आदि न खाकर भी जीवित रहे, ठीक है। तद भाग धेयम परम पशु नाम, तो ऐसे पशुओं के भाग धन्य हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर है, लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्या फलम विषन्नः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्ते सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति, लुब्धस्य मीन्स होता है लोभी, ठीक है, लालची। नश्यति यशः, जो लालची व्यक्ति होता है उसका सारा यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर होता है उसकी सारी मित्रता दूर हो जाती, सारी मित्रता नष्ट हो जाती, ठीक है। इसके बाद नष्टक्रियस्य, जो व्यक्ति निकम्मे होते हैं उनके सारे काम नष्ट हो जाते, वो अच्छे नहीं हो पाते। कुलम अर्थ परस्य धर्म, ठीक है, जो केवल धन को व्यसनी का जो धन, हाँ सॉरी, जो स्वार्थी व्यक्ति होती है उनका जो सारा धन होता है वह भी नष्ट हो जाता है। व्यसनी विद्या फलम व्यसनी,
जो व्यसनी व्यक्ति होता है जिसके दुर्गुण होते हैं वह विद्या को प्राप्त नहीं कर पाता। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस होता है उसका सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और ऐसा प्रमत्त मंत्री वाला राजा, उसकी जो सारी प्रजा है, उसका जो सारा राज्य वह भी नष्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर श्लोक, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिकासौ। मक्षिकासौ मीन्स होता है क्या, मधुमक्षी का मीन्स होता है मक्खी, ठीक है, जो शहद को एकत्रित करने वाली होती है। तो पीत्या रसम तु कटुकम, वह कड़वे रस को भी पी करके मधुरम समान और मीठे के समान, मधुर शहद के समान उत्पन्न करती है। संतस तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर शुक्त रसम सृजन्ति। वैसे ही जो संत सज्जन व्यक्ति होते हैं वे दुर्जनों की बातों को सुन करके भी मधुर शुक्त रसम, मीठी बातों को ही बोलने वाले होते हैं। विहाय पौरुषम यो ही दैव मेवा अवलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसौ। विहाय पौरुषम, जो अपने पौरुष को छोड़ करके, अपनी वीरता को छोड़ करके, और दैव मेव अवलंबते, देवताओं के ये काम, देवताओं से अपना काम सिद्ध कराने के लिए बैठा रहता है, इंतजार करता है, वो वैसे ही जैसे प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसौ, जैसे महल में शेर के समान ही कौवा बैठ करके अपने राजपाट के लिए वो उम्मीद करे, ठीक है। फिर है 6 नंबर, पुष्प पत्र फलक्षाया मूल वलकल दारुभिहि धन्या महीरुहा एषां विमुख यान्ति नार्थिनम। पुष्प पत्र फलक्षाया, ठीक, किसी कोई वृक्ष है उसमें फूल पत्र पत्ते फल और उसे छाया, उसे मूल वलकल आदि वस्त्र आदि प्राप्त होते हैं। धन्या महीरुहा एषां, ऐसे महीरु मीन्स पृथ्वी में उगने वाले जो वृक्ष हैं वो धन्य हैं। एषां विमुखा यान्ति नार्थिना, वह कभी भी किसी से विमुख नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद हमारा 7 नंबर, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वनहीना ग्रहे। चिंतनीया ही विपदाम, कोई विपत्ति आने पर हमें चिंतन नहीं करना चाहिए, आदावे प्रतिक्रिया, तुरंत ही हमें उसके प्रति प्रतिक्रिया देनी चाहिए। न कूप खननम युक्तम, ठीक है, बिना कुआं न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वनहीना ग्रहे, यदि घर में लगी हुई आग है तो बिना कुआं खोदे वो आग, सॉरी न कूप खननम युक्ते, तो यदि घर में आग लगे तो हमें कुआं नहीं खोदना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये जो सूक्तियां हैं, ये जो सुभाषित हैं, इन्हें पढ़ने से हमें मोरल स्टोरी प्राप्त होती है, मोरल नॉलेज प्राप्त होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।